चैनल बंसल बाइडर जी, आज का वीडियो में हम कॉम्पिटेटिव एलाइजा के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। पहले मैंने एक बार इनडायरेक्ट एलाइजा और उसी के साथ साथ सैंडविच एलाइजा के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसके बारे में भी देख सकते हैं अगर आपको बेसिक एलाइजा के बारे में जानना है। तो अगर हम कॉम्पिटेटिव एलाइजा देखें तो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्पिटेटिव, यानी कि दो चीजों के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन किसके बीच में होता है? सैंपल एंटीजन के बीच में और इनहिबिटर एंटीजन के बीच में। कहने का क्या मतलब है? सैंपल एंटीजन मतलब मैंने जो एक पेशेंट की बॉडी से लिया है उसका एंटीजन, और इनहिबिटर एंटीजन यानी कि मैंने बाहर से एंटीजन बनाया है इनहिबिटर एंटीजन को। ये दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं? प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होने के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि दोनों को एक एंटीबॉडी से बाइंड होना है। अब जो बाइंड करेगा वो जीत जाएगा, जो बाइंड नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा। यहां पर हम किस तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे। किस किस को हम इंक्यूबेट करने वाले हैं? एंटीबॉडी को हम इंक्यूबेट करने वाले हैं सैंपल एंटीजन के साथ। इन दोनों को हम इंक्यूबेट करेंगे। यहाँ पर जब हम एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर सैंपल में जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से आके बाइंड तो हो, लेकिन यहाँ पर काफी सारी फ्री एंटीबॉडीज भी रह जाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पे सबसे पहले एंटीबॉडी और सैंपल एंटीजन को इंक्यूबेट करवाया, ताकि वो दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना ले। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ एंटीबॉडीज फ्री भी रह जाए। एक बार यहाँ पर ये पूरा स्टेप हो जाता है तो हम यहाँ पर एक प्लेट लेते हैं। इस प्लेट पे हमने इनहिबिटर एंटीजन को इंक्यूबेट करके रखा है, यानी कि इनहिबिटर एंटीजन पहले से इस प्लेट से अटैच है। उसके बाद हम ये पूरी की पूरी जो टेस्ट ट्यूब है वो इसमें इस तरीके से डाल देते हैं। पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब हमने इसमें डाल दी। यहाँ पे फ्री एंटीबॉडीज है वो तो इन एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर लेंगी, और बाकी जो एंटीबॉडी पहले से एंटीजन के साथ बाइंड हो रखी है वो यहाँ पर बाहर ही रहेंगी, यानी कि वो प्लेट में अटैच नहीं हो पाएंगी, वो यहाँ पे बाहर ही फैलती रहेंगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये यहाँ पर ये किसी से बाइंड ही नहीं हुई तो फ्री है। अगर ये बाइंड ही नहीं हुई तो प्लेट से अटैच नहीं हो पाएंगी। उसके बाद अगर हम इस प्लेट की वॉशिंग कर देंगे तो ये एंटीबॉडीज जो कि बाउंड है ये तो यहाँ पे बाउंड ही रहेंगी, लेकिन ये एंटीबॉडी जो इसके साथ बाइंड थी यानी कि सैंपल वाले एंटीजन से बाइंड थी, यहाँ पे सारी वॉश ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने माइक्रोटाइटर प्लेट में इनको होल्ड करने के लिए कोई था ही नहीं। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी से आके अटैच हो जाएगी। इसके साथ एक एंजाइम भी प्रेजेंट है जो कि सबस्ट्रेट को क्या कर सकता है? कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, वॉश किया और एक सबस्ट्रेट डाला। अब ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ये प्रोडक्ट कैसा होगा? कलर्ड प्रोडक्ट होगा, जिसका हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इस कलर को मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ। और यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इससे फायदा क्या हुआ? इससे मुझे ये कैसे पता चला कि सैंपल में एंटीजन का अमाउंट कितना है? क्योंकि मुझे तो ये फाइंड आउट करना है कि सैंपल में एंटीजन का अमाउंट कितना है। अब समझिए, अगर मैंने यहाँ पर कहा कि सैंपल में जो एंटीजन का अमाउंट था वो काफी ज्यादा था, अगर यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट रहेगा तो जो एंटीबॉडीज फ्री है वो कम रहेंगी। फ्री एंटीबॉडीज कम रहेंगी तो यहाँ पर फ्री बाउंड जो होंगी वो कम होंगी। यहाँ पर कम सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाउंड हो पाएंगी। कम सेकेंडरी एंटीबॉडी बाउंड होगी तो कम प्रोडक्ट मिलेगा। कम प्रोडक्ट मिलेगा तो मुझे कलर कम मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर सैंपल में एंटीजन ज्यादा है तो मुझे जो यहाँ पे फाइनल कलर मिल रहा है वो कम मिलेगा। वही अगर सैंपल में एंटीजन कम है तो यहाँ पर जो मुझे सैंपल में जो एंटीजन है वो कम है तो फाइनल जो मुझे कलर मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों? अगर सैंपल में एंटीजन ज्यादा है तो इनहिबिटर एंटीजन कम बाइंड हो पाएगा। सिमिलरली अगर सैंपल में एंटीजन कम है तो इनहिबिटर एंटीजन जो है वो ज्यादा बाउंड हो पाएगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करके ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ कि यहाँ पे कितना कलर प्रेजेंट है। उसको मैं यहाँ पे ग्राफ के साथ प्लॉट कर सकती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन, कौन सा एंटीजन सैंपल में जो प्रेजेंट है। इस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद मुझे जो भी ऑप्टिकल डेंसिटी मिली उसको मैं पुट करके फाइंड आउट कर सकती हूँ कि सैंपल में कितना एंटीजन प्रेजेंट है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सैंपल में एंटीजन है और यहाँ पर जो कलर मिल रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जितना ज्यादा सैंपल में एंटीजन है उतना कम इनहिबिटर एंटीजन बाइंड होगा, उतना कम हमें कलर मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एलाइजा चलता है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं
कि अगर यहाँ पर एक एक पर्सन के बॉडी में कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका अमाउंट कितना है. सो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच गाइस.